₹3500। तो दोस्तों अभी मैं आया था इस वाली दुकान, कितने बढ़िया लग रहे हैं वैसे, बहुत ही महंगे महंगे भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 8 बज चुके और मैंने अपनी शॉप भी खोल ली। वैसे आज आपको दुकान में थोड़े से बदलाव देखने को मिलेंगे, मैं एक बार आपको शॉप पर टूर दे देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर जो फ्रिज था ना वो चला गया है पीछे की तरफ, और जो हमारा बड़ा फ्रिज था नया वाला वो मैंने उस साइड में लगा दिया है, क्योंकि यार दुकान में थोड़े से बदलाव करने की जरूरत। फ्रिज के अंदर बहुत ही गंदगी हो चुकी थी पिछले 6 महीने से, ये ऐसा ही पड़ा था ना, इसलिए अब मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए। तो अगले 6 महीने तक ये वाला फ्रिज तो यूज नहीं होने वाला, इसलिए मैंने उसे साइड में कर दिया। और ये मेन फ्रिज है जो कि अपने नया लिया है, तो इसके अंदर भी सिर्फ पानी की बॉटल और ये बाकी सब चीजें रखी हुई, दूध भी, तो यही एक फ्रिज यूज होता है। इसलिए मैंने इसी को सामने की तरफ रखा है, दूसरे वाले फ्रिज को बैक साइड में। और बाकी जो सब ये ड्रम होते ना, इसके अंदर चावल है और इसके अंदर सोयाबीन वड़ी और गुड़ है। ये देखो, इसके अंदर है मूंगफली। तो यही सब सामान है दुकान के अंदर। दोस्तों ये दो पेपर लैमिनेशन होने के लिए, तो चलिए इसको सबसे पहले इस पॉलिथीन में डाल देते हैं लैमिनेशन वाली। एकदम बीचों बीच डालना पड़ता है इन्हें। चलिए दोस्तों, मशीन तो रेडी हो चुकी है, इसके अंदर पेपर उड़ा देते हैं। दोस्तों आज है 12 तारीख, यानी कि 3 दिन बाद ही 15 अगस्त, और अब तक मैंने अपने दुकान पर जो फ्लैग लाए थे और जो बैचेस लाए थे ना तिरंगे झंडे के, वो अब तक लगाए नहीं। तो चलिए फटाफट से उनको एक कार्डबोर्ड पर लगा देते हैं जिससे कि उनकी बिक्री हो सके। तो ये कुछ पैकेट लाए थे मैंने, ये वाला एक और ये हर्ट वाला एक, तो चलिए फटाफट से इन सभी को इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर मार्किंग कर ली, यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, तो उसी के ऊपर हमें इस अपने फ्लैग को लगाना है। मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इनको लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारे बैचेस को इस कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दिया। तो ये देखो, ऊपर की तरफ ये जो स्क्वायर वाले होते हैं वो वाले, और नीचे की तरफ ये हर्ट वाले, कितने बढ़िया लग रहे हैं। और हम इसे अभी अपने दुकान में कुछ यहाँ पर या फिर यहाँ पर टांग देंगे। वैसे अभी 15 अगस्त में 2 दिन बाकी है, इसलिए मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं दोपहर का एक, अभी मैं निकल पड़ा मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए प्लम्बिंग का सामान खरीदना था, कमोड खरीदना था, और बाकी सब जो पाइप भी होते हैं वो सब चीजें खरीदनी थी, तो वही सब चीजें मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं मार्केट की तरफ, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों अभी मैं आया था इस वाली दुकान पे, लेकिन यहाँ पर कुछ सामान मुझे मिला, लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं मिली, इसलिए मुझे दूसरी दुकान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह पर लेंगे तो थोड़ा सा अपना ही फायदा होगा और अच्छी चीजें मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी दुकान। चलिए दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इस वाली दुकान पे, चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर मुझे प्लम्बिंग के पाइप और वो सब चीजें मिलती है या फिर नहीं। वैसे यहाँ पर सब कुछ तो दिख तो रहा है मुझे, सारे जो कमोड विमोड जो होते हैं वो सब चीजें, बेसिन भी है अलग अलग तरह के। तो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या मुझे आज खरीदना है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर कितने सारे बेसिन है और बहुत सारी चीजें, वैसे ये बहुत ही महंगे महंगे भी। ये देखो ₹3500 यार, बहुत ही महंगे महंगे, ये तो अपने बजट के बाहर है। छोटी मोटी चीजें खरीदने आया था यहाँ पर, तो वही सब चीजें ले लेते हैं। ये सारे मिक्सर है अलग अलग तरह के, जो पाइप भी होते हैं वो वाले, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, सामान तो मैंने सारा खरीद लिया, जो कि टेम्पो वाले भैया कल सुबह लाएंगे, क्योंकि आज वो नहीं थे वहाँ पर। और जो दुकान का सामान तो वो भी मैंने खरीद लिया, और गाड़ी पर देख सकते हो इस साइड में बिस्किट के बॉक्स, इस साइड में भी, क्योंकि यार दुकान में बिस्किट बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। तो चलिए, मेरा सिटी में सारा काम तो हो चुका है, अब चलते सीधा घर पर, और मैं सीधा आपको घर पे मिलता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, घर तो मैं पहुंच चुका, और दुकान के अंदर देखो सारे बॉक्स ही बॉक्स हो गए। ये वाला पार्ले जी, मोनाको, पतंजलि और ये है गुड डे, तो इन बिस्किट को मुझे यहाँ पर लगाना है, जिससे कि हम इस बॉक्स को हटा सकते हैं और दुकान में थोड़ी सी यानी कि खुली खुली जगह हो जाएंगी। बिखरा बिखरा दिख रहा है सामान आपको, एकदम अस्त व्यस्त दिख रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से सारे बिस्किट को यहाँ पर लगा देते हैं।
तो ये रहा बादाम का पैकेट और ये रहा काजू का। चलिए दोस्तों काजू तो हमने भर दिए, अब भरते हैं बादाम को। ये देखो कुछ इस तरीके के बादाम है इसमें। दोस्तों अभी मैं शक्कर के पैकेट बना रहा था लेकिन तभी याद आया कि थैलियां खत्म हो चुकी है। मैंने अभी सिर्फ इतना ही पैकेट बनाए थे लेकिन यहाँ की थैलियां पूरी खत्म हो चुकी है। वैसे मेरे पास नया वाला थैलियों का पैकेट है लेकिन यार इसमें भी एक दिक्कत है, चूहे ने इसमें भी नुकसान कर दिया अच्छा खासा। ये देखो चूहे ने इसके नीचे वाली जो साइड होती है ना उसको कुतर दिया है। ये देखो लगभग आधी से ज्यादा थैलियों को कुतर दिया, इसके वाले भी और इसके अंदर की, तो अच्छा खासा नुकसान हो गया यार चूहों की वजह से। लेकिन अब क्या ही करें, चूहों का कुछ इलाज भी नहीं यार। मैंने बहुत यानी कि ट्राई करके देख लें, चूहे बहुत ही परेशान कर रहे हैं दुकान में। हर एक दुकानदार को यही दिक्कत होती है चूहे। तो चलो कोई ना, जितने भी पैकेट अच्छे हैं उन्हीं से हम तैयार कर लेते हैं शक्कर के पैकेट। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं तो चलिए फटाफट से अपनी दुकान को बढ़ा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों दुकान तो मैंने बढ़ा ली है, फटाफट से अपनी दुकान के अंदर की सारी लाइट को बंद कर देते हैं मशीन वाले। वैसे चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।